water ph and buffer system we will start with the water what is water as we know the water is made up of, of two hydrogen and one oxygen and water is the most abundant substance in the living systems making around 70% or more of the weight of most of the organisms most of the organism is around 70% water present for example in human beings adult human beings may अराउंड 55 फाइव टू सिक्सटी फाइव परसेंट जो है वो वॉटर है जबकि न्यू बॉर्न में अराउंड एटी परसेंट जो है वो वाटर, वाटर प्रेजेंट होता है दाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द स्लाइट टेंडेंसी ऑफ वॉटर टू आयनाइज़ आर ऑफ क्रूशल इम्पॉर्टेंस टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायो मालिक्यूल्स की वॉटर जो है ये हमें एज वी नो इज मेड ऑफ हैविंग टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन एटम तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये थोड़े थोड़े आयनाइज होते रहते हैं जिस तरह हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में देखते हैं इसी तरह ये आयोनाइज होकर थोड़ा सा वाटर जो है ना हाइड्रोजन लग हो जाएगा ऑक्सीजन लग हो जाएगा और वो आपस में एक इक्वली मेंटेन कर लेते हैं तो ये आयनाइजेशन जो है स्लाइटली वो इसके फंक्शन को जो है वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन को डिफाइन करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिवस वाटर इट्स अन प्रॉपर्टी वाटर वाटर Has a higher melting point unusual property water this is due to the hydrogen bonding between oxygen and hydrogen molecules. Similarly, having a higher boiling point, which is around 100 degrees centigrade, and heat of vaporization than most other common solvents, for example, ether. एंड क्लोरोफार्म इस तरह ये जो है इसकी वाटर की हमने कहा कि ये अन यूजल प्रॉपर्टीज एंड आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईच हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर विद सेंट्रल ऑक्सीजन ऐटम देअ फॉर द जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिक्टेटेड बाय द शेप्स ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटर्स ऑफ द ऑक्सीजन ऐटम एज वी नो कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो एट है एटॉमिक नंबर इसका एट है इसकी वैलेंसी टू है एटॉमिक नंबर एट है इस इट मींस के इसके जो अंदर वाले फर्स्ट ऑर्बिट में है वो दो इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले में छह इलेक्ट्रॉन्स हैं एज वी नो ऑक्टेट रूल को हमने बहुत डिटेल में डिफाइन किया था जब हमने रिवर्सिबल ऑफ प्रोटीन्स पढ़ी थी कि आखिरी ऑर्बिटल जो है उसने अपने आठ जो है ना वो एट ऑक्टेट रूल इसीलिए कहते हैं एट उसने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने सो यहां पे भी ऑक्सीजन के बाहर वाले ऑर्बिट में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको दो और चाहिए दो पूरे करने के लिए अपने एट सो वेलेंसी ऑक्सीजन की दो हो गई तो दो हाइड्रोजन जो है वो उसको एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो उसके साथ पेयरिंग करके शेयर कर लेता है अब इस शेयरिंग की वजह से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाता है जिसको हम देखेंगे जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है और ये किस वजह से है क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है क्योंकि उसके जो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो ज्यादा है प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा इसकी तरफ आ जाते हैं सो दिस इज दर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल दीज ऑर्बिटल डिस्क्राइब्स अ रफ टेट्राहाइड्रॉन के टेट्राहाइड्रोन स्ट्रक्चर बन जाता है विद ए हाइड्रोजन एटम एट ईच ऑफ द टू कॉर्नर्स एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एट दउटर टू कॉर्नर्स अभी हमने कहा है कि ऑक्सीजन जो है ये थोड़ा सा ज्यादा इसके अंदर जो है ना इसके हाइड्रोजन को ज्यादा अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है सो so, ये थोड़ा सा उसके करीब आ जाएगा उसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सो दिस इलेक्ट्रॉन अनशेयरिंग प्रॉपर शेयरिंग जो है वो उस तरह नहीं हो रही इसकी वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी आ जाएगी इसके ऊपर दस द ऑक्सीजन न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन डी हाइड्रोजन न्यूक्लियस दैट इज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कि इसके ऊपर ये थोड़ा सा ज्यादा इसकी तरफ चले गए ज्यादा देर फोर यह डेल्टा नेगेटिव शो कर रहा है कि इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है और ये थोड़ा सा उसकी तरफ आ गए इसलिए ये हाइड्रोजन अकेला रह गया प्रोटोन तो इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसे हम डेल्टा पॉजिटिव कहते हैं दिस मीन्स दैट द शेड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर ऑफन इन दिसनिटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम देन ऑफ द हाइड्रोजन के जो ये हम कहते हैं कि इसके करीब करीब जो है वो ज्यादा करीब करीब यहां घूम रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के ज्यादा करीब घूमने की बजाय हालांकि ये इक्वली शेयर कर रहे हैं सो दिस इज हैविंग अब ये ये चीज जो है ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देता है जिसको टेट्राहाइड्रॉन जिसमें चार जो है वो आप कहते हैं ट्राइंगल बनी हुई विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स द रिजल्ट ऑफ दिस अनईक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इज टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन दी वाटर मॉलिक्यूल ये अब अन शेयरिंग हो गई कि थोड़ा सा उसने खेच लिया इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन एटम ने उसकी वजह से थोड़ा सा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया और ये शेयरिंग जो है इक्वल नहीं रही थोड़ी सी हो गई तो और इससे दो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिए देयर फॉर ईच हाइड्रोजन बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विच इज डिनोटेड एज डेल्टा पॉजिटिव एंड द ऑक्सीजन एटम बीअर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज विच इज डिनोटेड एज नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू ऑफ दी टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना इस पे पार्शल पॉजिटिव क्योंकि दो हाइड्रोजन है इसलिए टू जो है ना दो हाइड्रोजन है इसीलिए टू जो है ना इसको हम टू डेल्टा नेगेटिव से डिफाइन करते हैं कि जितना उसपे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज होगा सो दिस इज अगेन द डिफरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दी वाटर मालिक्यूल के ये यह यहां हमने कहा था कि इसके ऊपर जितना इन दोनों को जमा कर दें जितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है इन दोनों को इसलिए टू डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है दिस इज ये रेड जॉय ये ऑक्सीजन है एंड दिस इज दाइड्रोजन एटम्स एज ए रिजल्ट देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टेटिक एट्रैक्शन बिटवीन द ऑक्सीजन ऐटम ऑफ वन वाटर मालिक्यूल एंड दाइड्रोजन ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल देयर फोर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब क्या हुआ कि हर हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन आ गई कि एक वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसने थोड़ा सा उसमें ऑक्सीजन में नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो उसने साथ वाला इर्द गिर्द वाले जो है ना उसको अपने साथ खता रहता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ जुड़ती रहती है दीज आर नॉट दी कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी ये इस वाले ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग है ये हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से है एंड इसको हम ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बोला था कि कुछ पार्शल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन पे है इसी तरह कुछ इलेक्ट्रो जिसे हमने डेल्टा पॉजिटिव बोला था यहां पे है तो इस वजह से इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड बन गया ये इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से बन गया दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड दिस इज दक्चर ऑफ दी हाइड्रॉन जो हमने बोला था कि टेट्राहाइड्रॉन जो हमने बोला था कि जिसमें ये ऑक्सीजन है इसने चार डिफरेंट उसके साथ उसके साथ मिल गया मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि चार जो है ना वो ट्राइंगल्स बन गई वी कैन सी हियर के एक ट्राई अगर ये है ये है सेकंड ये है तीसरी ये है तो ये चौथी ये चार जो है ना सो दिस इज इज अ फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रॉन स्ट्रक्चर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रो नेगेटिव और इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सिस बिटवीन दी डिफरेंट वॉटर मोलिक्यूल्स नियरली टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्बिटल्स

स्ट्रक्चर विद डिफाइन के किस तरह इसके अंदर ईच व मॉलिक्यूल कैन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग देर हाइड्रोजन एटम्स प्लस टू फर्दर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स यूटिलाइजिंग दी हाइड्रोजन एटम देअर फोर अटैचेज टू नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल दीज फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑप्टिमली अरेज देच वाटर मॉलिक्यूल के ये एक हमने कहा ये वाटर मॉलिक्यूल है इसने हमने कहा कि इसके ऊपर एक दो नेगेटिव के बराबर चार्ज है डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव है ये डेल्टा डेल्टा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है है एक एक हाइड्रोजन अब इस ऑक्सीजन ने से ये दरमियान वाला एक वाटर मॉलिक्यूल है एक तो इसके हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया ये कोवलेंट बॉन्ड लग गए लेकिन इसको हमने हाइड्रोजन बॉन्ड से डिफाइन किया डॉटेड लाइन है इसने ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक और बांड बना दिया हाइड्रोजन बॉन्ड इसी तरह इसने एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया और इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक और बॉन्ड बना दिया तो इस तरह चार डिफरेंट एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो चार डिफरेंट जो है वो और वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और इस तरह यह टाटाहाइड्रोल स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाता है इसका